हरे कृष्णा, जय श्री राधे। जैसे कि हम इससे पहले व्लॉग में बना चुके हैं, वीडियो में, कि पेमेंट रिसीव हुआ है यूट्यूब की तरह से। हमारा फर्स्ट पेमेंट था। मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है उसके अंदर, कि कैसे मेरा यूट्यूब की जर्नी रही है और कैसे क्या क्या प्रोसेस है इन सबको करने के पीछे। लेकिन बीच बीच में मुझे एक दो कमेंट्स भी मैं पढ़ती रहती हूँ, रिप्लाई भी करती रहती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। ऑलमोस्ट मैं रिप्लाई करती हूँ। बहुत लोगों का ये था कि हम डिप्रेस हो जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा, आपका कैसे हो गया, ये क्यों, वो क्यों, मतलब ऐसे। तो व्लॉग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और तो एक कमेंट आया था मुझे कि हम भी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन नहीं होता है। देखिए, मैं अपनी भी बात बताती हूँ। पैसा अर्न करना, मतलब अच्छी चीज़ों से, बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसे कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि जा तू उसको मार के आ, मैं तेरे को 1000 रुपये दे दूंगा, तो बहुत ईजी है ना, मारना ही तो है, मतलब 1000 रुपये ले गया। लेकिन जो जो अच्छे बोलते हैं ना, अच्छे मोटिव से कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा ज़मीर नहीं मानता कि हम वो चीज़ करें। जब मैंने कंठी धारण कर लिया था तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये हो गया था कि इंडस्ट्री में काम करने के बाद ऑन ऑफ द सडनली भक्ति में आना और इतना बड़ा डिसीजन लेना कि मुझे भक्ति में ही रह के चीज़ें करनी है। तो अब मुंबई जैसे शहर में रह के खर्चा मैनेज करना, ये कोई बहुत इजी चीज़ नहीं है। और कोई फिनेंशियली मेरे को कोई से सपोर्ट नहीं है कहीं से भी। मेरे पास अगर कोई सपोर्ट है तो सिर्फ राधा रानी का है और कृष्ण का है, और कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैं कुछ भी होता है ना, तो मैं उनके ऊपर डिपेंड हूँ। मैं जब कंठी धारण की थी, जब मैंने शरणागति ली थी, तो मैंने एक सिंपल चीज़ कही थी कि देखो, मैं है ना, कोई भी गलत चीज़ करके पैसे मुझे नहीं कमाने हैं, और ना आप मेरे जीवन में ये सब चीज़ें कभी लाना। अगर मैं सरेंडर हुई हूँ तो मैं सिर्फ आपके भरोसे पे हुई हूँ, तो ये पूरी ज़िंदगी आप ही को चलानी। हाँ, मेहनत करूँगी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगी, बट चलाना आप ही को है, क्योंकि मेरे बस की तो बात नहीं है कि मैं अकेले ये सब कुछ कर लूँ। ये कह के 2 साल तो निकल गया, फिर ये सब प्लान आया यूट्यूब वगैरह का सब। मेरे साथ सरेंडर में सारे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे सखा प्रभु हैं जो वीडियोस बनाते हैं, एडिट करते हैं, बहुत बहुत मेहनत लगती है, आप लोग देखते ही हैं। बिल्कुल, मैं मिलवाऊंगी भी। बहुत लोग कहते हैं आपका वीडियो कौन बनाता है या कौन बनाती है, हमें मिलवा कैमरे के पीछे वाले लोगों से भी मिलवाऊंगी मैं कभी कभी कभी, ऐसा जब वक्त आएगा तो। लेकिन कभी कभी मैं ऐसे बैग के ऊपर कैमरा रख के भी रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त कोई ना कोई बनाता ही है, कभी कभी मैं खुद भी बना लेती हूँ। तो जर्नी मेरी इस तरीके की रही है। और रही बात मेन टॉपिक पे आते कि नहीं हो रहा है, देखिए हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि हम जब ऐसे तो है नहीं कि हम जैसे स्कूल जाएंगे वैसे हम 10th क्लास में तो नहीं पहुंच जाते, या हम जैसे डॉक्टरी पढ़ने से कि हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम कॉलेज गए वैसे पहले दिन हम ग्रेजुएट होके या डॉक्टर बन के तो बाहर नहीं निकलते। हमें टाइम देना पड़ता है ना। जैसे कि अब हम स्कूल जाएंगे तो एक एक प्रोसेस है, वो देना पड़ेगा। या समझो कि आपने कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 2-3-4 साल लगते हैं। लेकिन मेहनत ऑफकोर्स आपको करनी है। मैं शुरू में मेहनत नहीं कर रही थी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी, क्योंकि मुझे ऑपरेट करने का नॉलेज नहीं था यूट्यूब की, मुझे कैसे चलाना है, कैसे मुझे चीज़ें करनी है, इस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं था। पहले मैं 6-6, 7-7, 10-10 दिन में वीडियोस शॉर्ट्स डालती थी, और व्लॉग्स भी मैं 4 दिन के गैप पे या 5 दिन के गैप पे डालती। तो क्या होता है, आपको व्यूज़ मिलता नहीं है। फिर आपको ये भी चेक करना है कि आपका चैनल हिडन है कि नहीं। अगर आपका चैनल हिडन है तो आपको YouTube स्टूडियो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। YouTube स्टूडियो में आपको पता चल जाएगा आपका चैनल हाइड है कि नहीं। अगर आपका चैनल हाइड है तो सेटिंग में जाके आप उसको अनहाइड कर दो ताकि वो पब्लिक की नज़रों में आए। सबसे बड़ी दूसरी चीज़ कि आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा इसके ऊपर। जैसे कि मेरी तरह गलती शुरू शुरू में तो बिल्कुल ना करें कि 10 दिन पे 15 दिन पे एक शॉट डाला, ऐसा मत कीजिए। जब मैंने की शुरू शुरू में क्या, मुझे लगा नहीं अभी यार यहाँ वीडियो डालने से अच्छा मैं यूट्यूब पे क्यों ना ट्राई करूँ, कुछ अच्छा हो जाए तो मेरे लिए बेटर है। तो मैंने क्या किया, फिर एकदम दबा के वीडियो डालने लगी। कैसे, दिन के 6 वीडियो 7 वीडियो, एक टाइम तो ऐसा है मैं 8-8 शॉर्ट्स मैं डालती थी। व्लॉग मैं 4 दिन के गैप पर डालती थी, फिर मैंने चेंज किया। मैंने नहीं, सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे थे, व्यूज़ नहीं जा रहे थे, तो बहुत कन्फ्यूजिंग मेरे लिए हो रहा था। मैंने लगा शॉर्ट्स डालते हैं, फिर मैंने ना 6-7 शॉर्ट्स डालने स्टार्ट किए। और जो व्लॉग्स मैं 4 दिन पे या 5 दिन पे डालती थी, वो व्लॉग्स मैंने क्या कि डेली डालना
स्टार्ट किया। जैसे अभी आप देखेंगे तो मैं रोज व्लॉग्स डालती हूँ, और कोई खराब व्लॉग नहीं डालती हूँ। क्या ऐसा है नहीं कि मैं पैसे कमाने के लिए मैं कुछ भी बेवकूफ़ी गिरी कर रही हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं करती। आपने मेरे चैनल पे देखा हो, जैसे मुझे बहुत लोग कहते हैं कि होम टूर कराओ, किचन का टूर कराओ, मैं सिंपल ना कह देती हूँ कि देखिए हम एक डिवोशनल चैनल लेके आए हैं और मैं यहाँ पे सिर्फ और अच्छी चीज़ें सिखाने, ये सब फालतूगिरी का मतलब नहीं है कि मैं आपको अपना घर दिखाऊं, ये दिखाऊं, नहीं, ये सब नहीं। हाँ, भक्ति के लिए ही मैंने ये चैनल ओपन किया है, तो मैं उसी से रिलेटेड चीज़ें ही आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप आगे बढ़ें। तो अगर आप चाहते हैं कि व्यूज़ आए, तो पहले आप है ना शॉर्ट्स डालना स्टार्ट कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स डालिए, 6, 7, 8 जितना आप डाल सकते हैं, जहाँ तक हो सके ओरिजिनल साउंड्स जो होते हैं वो साउंड पे आप व्लॉग्स बनाए। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ओरिजिनल साउंड कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल साउंड है। देखिए, बैनर होता है और नीचे है ना सिंगर्स के नाम लिखे होते हैं, बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप साउंड पे क्लिक करोगे तो ऊपर दिख जाएगा। तो कभी भी आपको डुप्लीकेट वाले जो साउंड्स होते हैं उस पर रील्स नहीं बनाने हैं, आपको ओरिजिनल साउंड्स पर रील्स बनाने हैं। ये मैं बात कर रही हूँ जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो भक्ति के रिलेटेड ही वीडियोस बनाना चाहते हैं उनके लिए। फिर अगर आप व्लॉग्स बनाते हैं तो आप व्लॉग्स के भी वीडियोस कंटिन्यू डालिए, एक दिन में डालिए, दो व्लॉग्स डालिए, या रोज एक एक करके डालिए। और मोनेटाइजेशन का एक भी सिस्टम, सबसे अच्छे सिस्टम क्या है पता है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों का आवर्स कंप्लीट हो, ऐसा नहीं। अगर आपका 10 मिलियन अगर व्यूज़ हो जाते हैं ना शॉर्ट्स के, तो आपका चैनल तो भी मोनेटाइज हो जाएगा। और अगर समझ लो कि आपके शॉर्ट्स के 10 मिलियन नहीं हुए लेकिन आपका 4000 आवर्स हो गया है, तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मतलब दो में से एक चीज़ होती है, 1000 फॉलोवर्स, 4000 आवर और 10 मिलियन आपको शॉर्ट्स का ये आपको चाहिए होता है। अगर 2000 तो सब्सक्राइबर इजीली हो जाते हैं, और अगर शॉर्ट्स के अगर पहले आपका आ जाता है व्यूज़ 10 मिलियन, तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। बहुत सिंपल है। तो आजकल तो होप बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं पहले की तरह आपको 4000 आवर्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो शॉर्ट्स डालिए, तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि आपका चैनल उतना ज़्यादा आगे दिखने लगता है और आगे फॉरवर्ड होने लगता है। अगर कोई भी चैनल बोले, अगर आप एक्टिव नहीं रखोगे ना अपने चैनल को, तो बहुत मुश्किल है आपका चैनल कि आपका चैनल मतलब पब्लिक को दिखेगा, ये दिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। जैसे कि हम देखिए, हम कोई ख़राब कंटेंट नहीं ला रहे हैं, है ना। तो पहले चीज़ अपने आप को मोटिवेट रखो, आप कोई बहुत ख़राब कंटेंट नहीं ला रहे हैं कि आप कोई छोटे कपड़े में पहन के डांस नहीं कर रहे हैं, या डीप नेक का पहन के डांस नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसे फालतू गानों पे लिपसिंग नहीं कर रहे हैं जहाँ पे कोई दिक्कत है। आप अगर कर भी रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखाएंगे, आप लड्डू गोपाल को दिखाएंगे, उनका भोग दिखा देंगे, उनकी सेवा के बारे में बता देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा संकोच करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी कि अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार मोनेटाइज हो गया तो आपका काम यहाँ खत्म हो, कैसे नहीं। मेहनत हर चीज़ के पीछे है। अगर आज मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी तो मुझे क्या बनाऊंगी मैं रोज, चलो मैं रोज गाने का बना दूंगी। लेकिन व्लॉग्स, व्लॉग्स में आप क्या करेंगे, रोज आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। अब मैं रोज तो होम टूर, किचन का टूर, खाने का, ये सब कुछ तो नहीं बना सकते, है ना। हमको आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें खुद अपने आप को तैयार करना है कि हम अपने चैनल को किस तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं, किस बेस पे आगे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि आपकी जो फैमिली आपको जो सब्सक्राइब कर रही है लोग, वो आपको उस कंटेंट की वजह से कर रही है, राइट। जैसे कि मुझे कर रही है तो मुझे भक्ति को लेके कर रही है, क्योंकि मैं उन्हें उस बारे में कुछ बता रही हूँ, तो वो मुझे इसीलिए सब्सक्राइब कर रही है मेरे चैनल को, और इसलिए मेरे वीडियोस वो देखती हैं या देखते हैं जो भी लोग हैं। तो आप अपने कंटेंट को एक फिक्स कर लो कि मुझे इन सब कंटेंट पे वीडियोस बनाने हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत ही आपको एकदम बस आज डाला और आज ही आचर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 12 महीने का टाइम आपको दिया जाता है, 12 महीने के अंदर आपको ये सारी चीज़ें 1000 सब्सक्राइबर, 4000 अवर और 10 मिलियन शॉर्ट्स के जो अवर्स हैं आपको कंप्लीट करने होते हैं 12 महीने के अंदर। मेरा 8.5 महीने के अंदर हो गया, तो ये आपको क्लियर रखना है। तीसरी चीज़ क्या है, हमेशा आप डिसाइड रखो, यू नो, मतलब कि मुझे ये टॉपिक पे आज व्लॉग बनाऊंगी, कल ये टॉपिक पे, कनेक्ट होना चाहिए। आप पब्लिक से कैसे कनेक्ट करते हैं ना, वो मेन चीज़ है। और ऐसा हर बार भी जरूरी नहीं है कि आज मेरा व्लॉग अगर 100K पहुंच गया है तो कल भी मेरा पहुंचे, ऐसा नहीं है। कभी कभी अभी आप देखेंगे मेरे चैनल पे तो आपको कुछ व्लॉग्स ऐसे मिलेंगे बहुत अच्छे, मैं बुक्स रीडिंग कर रही हूँ चैतन्य चरितामृत का, जिसके व्लॉग्स मैंने डाले हैं प्लेलिस्ट में, आप देखिए उसके तो व्यूज़ ही नहीं है, 1.2K, 2.2K, 1K, बस इससे ज़्यादा, मतलब पब्लिक देख नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ। क्यों, पता क्या पता वो किसी को हेल्प कर दे, हमेशा पैसा ही मैटर नहीं करता है, क्या पता वो किसी की हेल्पफुल हो, क्योंकि भक्ति हम स्प्रेड करनी है, हमें इनकम के साथ साथ हमें ये चीज़ भी करनी है।
तो व्लॉग्स चले या न चले वो मैटर नहीं करता, आप अपनी चीजों को आगे रखते जाओ। अगर आप समझो व्लॉग्स बनाने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मैं रोज क्या व्लॉग्स बनाऊं, तो आप शॉर्ट्स बनाओ। मोनेटाइज हो गया चैनल, शॉर्ट्स से भी अच्छी इनकम है, यू नो, तो आप शॉर्ट्स बनाओ। शॉर्ट्स में भी क्या है, अच्छी चीजें बनाओ, जैसे तिलक कैसे लगाना है, यू नो, हमारे धर्म की बहुत सारी चीजें, वृंदावन क्या है, राधा रानी कौन है, कृष्ण क्या है, कृष्ण की लीलाएं क्या है, बहुत सारे हमारे धर्म में तो आप देखें जो कितने सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास, हम अपने प्रचार करने के लिए हम उन चीज़ों पे भी कर सकते हैं। जगन्नाथ प्रभु कौन है, रथ यात्रा क्या है, यू नो, मतलब कितनी चीज़ें उन चीज़ों के बारे में, लेकिन आपको उससे पहले आपको मेहनत करनी है ना। आज अगर हम पढ़ाई, जब टीचर खुद पढ़ाई करता है फिर जाके बच्चों को पढ़ाता है, जब टीचर खुद ही पढ़ाई नहीं करेगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, वैसा वाला मैटर। कि हम ब्लॉग्स जब बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, अगर इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें बनाते, आपको पहले खुद पढ़ना है फिर आपको जाके ब्लॉग्स बनाना है ताकि लोग आपसे कनेक्ट करें। जैसे मुझसे लोग पूछते हैं एकादशी कैसे रखते हैं, प्रील्स में सेवा कैसे करते हैं, माला जप कैसे करते हैं, जब मुझे पता होगा तभी मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे पता कैसे होगा कि जब मैं वो खुद करूंगी तो आपको वही चीज़ें करनी है। सबसे दूसरी और चौथी चीज़, ऐसा हाइपर नहीं होना है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ व्लॉग्स को टाइम लगता है चलने में, यू नो, जैसे कि मैंने अपना बनाया था मेरी लाइफ का, मतलब हीरोइन से भक्ति तक का सफ़र, तो वो टाइम लगा। जैसे उसमें चार पार्ट्स मैंने बनाए हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे पहले दो पार्ट चले, लास्ट के दो पार्ट चले ही नहीं तो ऐसा नहीं है कि मुझे टेंशन हो गया कि क्यों नहीं चल रहे। शॉर्ट्स चल रहे हैं ना, वो भी मीन करता है, यू नो, अगर आपके 1.2 मिलियन व्यूज, 4.5 मिलियन, 6 मिलियन अगर ऐसे व्यूज आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंटेंट कंटिन्यू डालते रहे रोज, कुछ अलग अलग कर, जैसे कि चार गाने के डाल दिए तो कुछ बोलने वाले डाल दो आपके ओरिजिनल साउंड में, इस तरीके से, तो वो आपके चैनल को थोड़ा सा बूस्ट करता है। पांचवी चीज ये है कि आपको शेयर रखना है, यू नो, मतलब सबको शेयर करते रहें ताकि लोग कनेक्टेड रहे हैं। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे बाकी सोशल मीडिया पे या अपने बाकी सारे फैंस लोगों से, आपके फैमिली मेम्बर से, तो वो मेन नहीं कर, वो अकाउंट नहीं। और सबसे मेन चीज़ एक और है, यू नो, अगर एक ही अकाउंट पे अगर आप चार अलग अलग मोबाइल में अगर चार बार देख लेंगे ना, तो वो व्यूज़ काउंट नहीं होते हैं, वो आपके ब्लॉग्स को और पीछे लेके चला जाएगा। जैसे कि समझ लो मैंने ये मोबाइल से एक ब्लॉग डाला और फिर मैं जा रही हूँ दूसरा मोबाइल लेके आ रही हूँ और इसी नंबर पे या उसी ईमेल पे दूसरा खोल के फिर वापस से देखूंगी, तो वो काउंट नहीं होता है। तो ये गलती भी नहीं करनी है। कुछ अभी अब नए नए चेंजेस भी आने वाले हैं यूट्यूब में, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी प्रेजेंट में तो यही अपडेट है। तो अगर नहीं चल रहा है चैनल तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास रखो कृष्ण पे, जो होता है अच्छा ही होता है। अगर मेरी जर्नी आप देखेंगे तो मेरी जर्नी सबसे ज़्यादा टफ है। अगर आप हद समझो कि बहुत एक मुझे मैसेज आया था, थोड़ा समय लूँगी देख लेना, सॉरी, कि मैं मैरिड हूँ और मैं YouTube चला रही हूँ लेकिन मेरे व्यूज़ नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते, भगवान पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, कौन सा मैंने ऐसा पाप कर दिया, कौन से मैंने ऐसी गलती, कैसे लंबा चौड़ा मैसेज आया था, कमेंट आया था मुझे। तो देखिए, लालच या कोई भी परिस्थिति अगर आपके घर की अच्छी है ना, तो हर चीज़ में हमको ना दरिद्रता नहीं दिखानी है ना, लाइक चाहिए चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा नहीं। हमें ना हमेशा ये पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी है कि अगर नहीं हो रहा है तो किसी रीज़न से नहीं हो रहा है, हो सकता है इससे बेटर कुछ हो, है ना, क्योंकि सबको ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना लक लेके आते हैं साथ में, वो भी मैटर करता है। मेहनत बहुत लोग करते हैं लेकिन सक्सेसफुल बहुत कम लोग होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके मेहनत का पीछे का जो रीज़न है और उनके आगे जो उनके साथ का जो उनका आशीर्वाद है कृष्ण का और जो विश्वास है वो भी साथ साथ चलता है, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। तो ऐसा नहीं है कि चैनल नहीं चल रहा है तो आप भगवान को कोसने लगें, मतलब आप लालच कर रहे हैं, है ना, कि आपका लेन देन चल रहा है कि भगवान ने नहीं किया तो आप भगवान को उल्टा पुल्टा बोलने लगेंगे, अकल को भगवान ने आपको दे दिया तो आप भगवान के लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे, ऐसा नहीं। अगर मेरा चैनल नहीं भी मोनेटाइज होता अगर, तो मैं फिर से सेकेंड ट्राई करती, और सेकेंड ट्राई में भी ना तो भी मैं थर्ड ट्राई करती, पता है क्यों, उसका बेनिफिट क्या होता, एक ट्राई में भले मिस हो जाएगा लेकिन तब तक तो मेरे सब्सक्राइबर्स तो बढ़ जाएंगे, सेकेंड ट्राई में तो मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा ही रहेंगे, तो व्यूज़ भी अच्छे अच्छे आएंगे। तो हमें अंदर अपने अंदर ना पॉजिटिविटी रखनी है,
पॉजिटिविटी नहीं रखेंगे ना तो कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होगा लाइफ में। जितना नेगेटिव सोचेगी उतना ही नेगेटिव होगा, और जितना पॉजिटिव सोचेगी उतना ही पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए अपने ब्लॉग्स पे मेहनत करो, अपने ऊपर मेहनत करो, बुक्स पढ़ो, ताकि आपके जो ब्लॉग्स हैं आज के टाइम में जो लोगों को ज़रूरत है उस चीज़ के बारे में जाने, और उस चीज़ के बारे में मिलता जुलता ही ब्लॉग्स बनाए जिससे आप लोगों की हेल्प कर सकें। क्योंकि गलत करके पैसा कमा लेते हैं ना तो पैसा आ जाता है लेकिन आपके मन को संतुष्ट नहीं करता, यू नो। लेकिन आज जो मेरे पास ये फर्स्ट इनकम मेरे को यूट्यूब से मिली है, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने अपने चैनल पर कुछ भी ऐसा नहीं डाला है कि जिससे किसी को गलत संदेश पहुँचे या कोई मिसगाइड करे। इवन इफ लोगों को हेल्प ही होती है और लोगों के कमेंट के अनुसार ही मैं सारे ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो ये आपको मेहनत करनी है यूट्यूब चैनल को लेके। और सर पहली चीज़ पता है क्या है, ऐसे बहुत शो ऑफ मत करो, नेचुरल रखो व्लॉग को, हमेशा नेचुरल रखो, क्योंकि आपको ज़्यादा शो ऑफ करने वाले लोगों को भी लोग पसंद नहीं करते हैं। सिंपल रखो, जैसे आप हो वैसे ही करो। ऐसा मत देखो कि अरे सामने वाले यूट्यूबर ने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूँगा तो मुझे भी ऐसा व्यूज आएगा। नहीं, सबके सब्सक्राइबर्स अलग होते, सबके फैंस अलग होते, सबकी पसंद अलग होती। जो मेरे फैंस है वो भक्ति से रिलेटेड, मेरा परिवार है तो मुझे इसी तरीके से वो देखते हैं, इसी तरीके की ब्लॉग्स उन्हें पसंद है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो भक्ति से जुड़े हुए नहीं है, जिन्हें भक्ति से कोई लेना देना नहीं, वो मेरे ब्लॉग्स को पसंद नहीं करते, वो चार बात सुनाते और चले जाते हैं। तो सबके ब्लॉग्स अलग होते, लेकिन हमें किसी को देख देख के नहीं, सब एक ही जैसा बनाएंगे तो पब्लिक क्या देखेगी। तो आप कुछ अलग ट्राई करो, है ना। तो अलग ट्राई करने के लिए बहुत सारे बुक्स रीडिंग के ऑप्शंस मैंने बताए हैं। बुक्स रीडिंग करो, अच्छे अच्छे ज्ञान अर्जित करो, खुद लो और वही ज्ञान आप दूसरों को बांटो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ये सबसे इजी वे है। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को ऑन कर लेना। जय श्री राधे, हरि बोल।